दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि इत्तेफाक से ट्रेन में सफर कर रहे अमिताभ, शाहरुख, धर्मेंद्र और सनी पाजी को लालू प्रसाद यादव ने किस तरह अपनी पत्नी राबड़ी देवी के जन्मदिन के जश्न में चार चांद लगाने के लिए जबरदस्ती पटना उठा ले गए। ट्रेन से उतरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने ड्राइवर गजोधर को फोन किया। अरे गजोधर, अरे हम पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अरे कहाँ है बुड़बक? अरे सरकार, हम तो अभी टायर पंचर बनवा रहे हैं, अभी हमको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ई ससुरा टायर वाला बहुत लेट से आया। अरे बक बुड़बक, आप बताओ हम कैसे जाएंगे अपने मरारू के बर्थडे में? मालिक, आप स्टेशन के बाहर तो निकलिए, कोनो न कोनो सवारी मिल जाएगा। ए बुड़बक, आप तुम ज्यादा सेंटीमेंट बनो, करते हैं हम कुछ जुगाड़। है हम ही को सिखाता है। सभी लोग स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और किसी सवारी या गाड़ी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक टेम्पो स्टेशन के पास आती है। अरे भैया, अरे हमको कटिहारी गांव जाना है, चलोगे का? अरे हाँ सरकार, चलेंगे। अरे आप ही का तो टेम्पो है। अरे भाई, लेकिन हमारा साथ देखो, ये बच्चन है, धर्मेंद्र है, सनी देओल भी है और ये किंग खान भी है, ये सब हैं, जगह है सबके लिए। अरे सरकार, इतने लोगों को तो हम नहीं बैठा पाएंगे, टेम्पो पहले से ही भरा हुआ है। ए ससुराल, तुमको क्या लगता है हम अकेले जाएंगे का? अरे हमारा मेहरारू का जन्मदिन है और हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, कोनो गाड़ी नहीं आ रहा है, हमको कटिहारी जाना है। अरे सरकार, पीछे से टुनटुनवा अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहा है, वो भी कटियारी गांव का ही है और वो अपना ट्रैक्टर लेके कटियारी गांव ही जा रहा है। आप उसके ट्रैक्टर पे चले जाइए, ठीक है? कुछ देर के बाद ट्रैक्टर आ जाता है। सभी लोग उस ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। वो ट्रैक्टर आम के पेटियों से भरी हुई थी, सिर्फ बीच की थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां पर सभी लोग एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। अबे जय, जरा उधर तो खिसक, ठीक से बैठने तो दे, ये तेरी लंबी टांगे बहुत जगह ले रही हैं। अरे यार पीरू, थोड़ा एडजस्ट तो कर ले यार, हमेशा हॉट सीट पे बैठने की आदत तो है ना, थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। वैसे तो मुझे भी प्राइवेट जेट में बैठने की आदत है, लेकिन मैं भी एडजस्ट कर ही रहा हूँ ना। आपको तो पता ही है, हम प्यार भी एक ही बार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं और बेवकूफी एक ही बार करते हैं। ओए, तू होगा बेवकूफ, मैं नहीं, समझा कि नहीं पापा? ओए समझा दो इसे, एक तो पहले से ही एग्जाम मिस हो गया, ऊपर से बेवकूफ बोल रहा है। ओए टेक इट इजी मैन, हर बार गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। देखो, लास्ट बार भी तुमने अपनी गुस्से में जींस की जेबें फाड़ डाली थी। दैट्स नॉट फेयर। ओए ठंड रख पुत्तर, जाने दे। ठीक है पापा। और सनी देओल ने चलती हुई ट्रैक्टर से थूक दिया। पापा कुछ तो थूक दिया, लेकिन एग्जाम मिस हो गया पापा, उसका क्या? अरे बेटा सनी, इस उम्र में तुम्हें कौन सा एग्जाम देना पड़ रहा है? अरे यार जय, ये जब से गदर की शूटिंग करके लौटा है, सारे हैंडपंप उखाड़ लाता है। अब घर में बहुत सारे हैंडपंप इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा सारे हैंडपंप अपने फार्म हाउस पे लगवा देता हूँ। इसीलिए सनी पुत्र को इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ, ताकि सारे हैंडपंप लगा सके।
मेरा प्यारा पुत्र। हे, अगर हैंडपंप ही लगाना था तो प्लम्बर से सीख लेते, इसमें इंजीनियरिंग सीखने की क्या जरूरत है। अमिताभ और शाहरुख जोर जोर से हंसने लगे और सनी पाजी ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। आओ बच्चन साहब, बहुत हंसी आ रही है, बताए थे ना कि पटना है। यहाँ हो जाए कौनो करना, जानते हैं लालू जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे आप बिल्कुल टेंशन वाले, एकदम महफिल जमा देंगे आप। बाप कुड़वा, बड़ा फोका जो जमा दोगे, महफिल को लूटते हैं, जमाते नहीं हैं, समझे का? हे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लालू जी, महफिल जमाना भी एक आर्ट होता है। बेटा तुम एक बार हमारी मेहरारू से मिलना, वो बताएगा तुमको हार्ट क्या होता है। इट्स नॉट कॉल्ड हार्ट लालू जी, इट्स कॉल्ड बाय हार्ट। अबे एकदम घन चकरे हो काबे, हम तुमको धमका रहे हैं और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बेटा सनी, समझाओ तो इन्हें अपनी फिल्मी भाषा में। जी लालू जी। और शाहरुख एकदम चुपचाप बैठ जा, वरना पापा और अंकल मत कर चिल्लाते रह जाएंगे और मैं तुम्हें यही पटक पटक कर धोता रहूंगा। ओके, I'm just kidding, bro. Calm down. कभी कभी ज्यादा बोलने वाले को थोड़ा चुप हो जाना चाहिए और ज्यादा बोलने वाले को चुप रहने के लिए शाहरुख कहते। लालू घूर कर देखते हैं। ओके, मैं भी चुप हो जाता हूँ। काहे? तुमसे काहे हम कि चुप रहो? करो बकैती, जितना मन करे उतना करो बकैती। चुप तो रहने से रहे तुम भीग भी हो ना, बोलने का भी तो पैसा लेते हो। अरे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं लालू जी, आपसे कौन पैसा मांग रहे हैं? तो हम भी कहाँ दे रहे हैं बुड़बाप। नाइस जोक, क्या बात है। ओए जय, ये तेरी बेइज्जती कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरू पाजी सब समझ रहा हूँ, पर लालू से पंगा कौन लेगा? कुछ करो पाजी, मेरा यंगली यंग मैन बाहर नहीं आ रहा है, शाहरुख की भी फटी पड़ी है, कम से कम आप तो कुछ करो, नहीं तो सनी कबूल अपनी 2.5 किलो का हाथ का कुछ तो यूज करे, नहीं तो ही लालू हम सबको नचवाएगा, वो भी फ्री में। जय, तू कह तो सही रहा है, लेकिन सनी को नहीं भड़का सकता, पाकिस्तान की बात कुछ और थी, अगर इसने यहाँ पे हैंडपंप उखाड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ और सोचते हैं, जैसा शोले में किया था। खुशूस फुसूस चल रही है जय और बीरू, एगो काम करते हैं, घर पहुंचने में अब ही टाइम है, जय और बीरू दोनों जन यहाँ है, गाना बजाना हो जाए, जय गाना गाएगा और बीरू डांस करेगा, म्यूजिक लगाओ। अमिताभ और धर्मेंद्र डांस करने लगे और ट्रैक्टर गांव की ओर बढ़ता ही रहा और सभी हंसी खुशी लालू जी की पत्नी के जन्मदिन में पहुँच गए।